हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था पार्टनरशिप, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ उसमें कल कमेंट सेक्शन में बच्चों ने कुछ सवाल किए थे, उनका जवाब भी दूंगा आज मैं। तो आज का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आई होप जितना मैंने कल आपको करवाया वो आपको समझ आया, और जो भी आपकी क्वेरीज थी आज चैप्टर के एंड में या बीच में मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, उसको हम कैसे बनाते हैं, और क्या डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। दोस्तों, जो मैंने फाइनल अकाउंट सबको एक चैप्टर करवाया था, आपको याद होगा, उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके बाद हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें हम एक और अकाउंट बनाते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप पूछोगे कि ये आपने तब क्यों नहीं बताया और आज क्यों बता रहे हैं आप। दोस्तों, वो हम जो कर रहे थे वो अंडर सोल प्रोपराइटर कर रहे थे। सोल प्रोपराइटर का मतलब मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि जहाँ पे एक अकेला पर्सन जो है अपना बिजनेस, जिसने पैसा लगाया है और वही बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, वही बिजनेस का सारा काम वही देख रहा है, बिजनेस को वही चला रहा है, तो वो सोल प्रोपराइटर होता है। तो उसमें अंडर सोल प्रोपराइटरशिप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। लेकिन जब हम किसी पार्टनरशिप में आते हैं, हमारे साथ कोई और पार्टनर जुड़ जाता है, तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाना होता है? क्योंकि हमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनमें उस प्रॉफिट को बांटना, या फिर हमें जब पार्टनर्स के एक्सपेंसेस निकालने हैं। याद रखना दोस्तों, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस, अभी मैं जब बनाऊंगा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्लियर होगा, बट अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि पार्टनर्स के एक्सपेंसेस, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, या पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, या पार्टनर्स को कमीशन देनी है, या कोई पार्टनर्स को फीस देनी है, या फिर पार्टनर्स को जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन सब के लिए हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आपका इसमें एक क्वेश्चन जो क्लियर हो गया, कि क्यों हम बनाते हैं जब हम किसी पार्टनरशिप में आते हैं, जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं, उसके लिए फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक एक्सटेंशन है, मतलब कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। और ये कब, किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। सोल प्रोपराइटर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, किसी पार्टनर को साथ में लेके आते हैं, तब हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट शोज़ द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये हमें क्या बताता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन दोस्तों दो वर्ड हैं, एक उनका मैं मतलब आपको बता दूं। एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा मतलब होता है, दूसरी चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों का मतलब क्या है? दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस जो हमें हर हाल में पे करने ही करने हैं, हमें अपने प्रॉफिट में से, इवन कि अगर हमें उसमें लॉस भी हो रहा है, तब भी हमें वो खर्चा देना है। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है दोस्तों, हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो हर हाल में देनी है, चाहे हमें प्रॉफिट है या लॉस। बिल्डिंग का रेंट देना है, ऑफिस का रेंट देना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी देना है, या बाकी जितने भी खर्चे हैं, वो सारे के सारे उनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी जो वो खर्चे जो हमें हर हाल में पे करने हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जो मैंने पिछले फाइनल अकाउंट में सिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे लिए जाते हैं, वो सारे के सारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वो खर्चे जो हमें हर हाल में पे करने पड़ते हैं। दूसरा वर्ड जो मैंने बताया अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो हमें तब पे करनी है जब हमें प्रॉफिट होगा।
अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना या पार्टनर्स के खर्चे निकालने। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को सैलरी देनी है, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी सैलरी देनी है या उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या उनको कमीशन देनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तब देंगे जब हमें प्रॉफिट है, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट है। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को ना तो हम सैलरी देते हैं, ना कमीशन देते हैं, ना बोनस देते हैं। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया वो चीज़ें जब जो हमें अपने प्रॉफिट में से अपने पार्टनर्स को देनी है, चाहे उनकी सैलरी कमीशन या प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया वो खर्चे जो हमें हर हाल में देने हैं। तो जो हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जितने भी हम खर्चे डालते हैं वो सब होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो हमें देने ही देने हैं। ये इसका मतलब है अप्रोप्रिएशन का। सो इट शोज द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कहता है ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन, यानी उसको जो हम बांट रहे हैं उसको शो करता है। किस फॉर्म में बांट रहे हैं, चाहे पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, या प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। चलिए दोस्तों, आपको याद होगा फाइनल अकाउंट हमने किया था, उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं उसके बाद, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहे हैं, तो उसको फिर उसमें आपको फिर एक नई चीज़ जोड़नी पड़ती है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसकी बात करेंगे। पहला, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेज, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता होगा लास्ट आपने फाइनल अकाउंट्स किया, मैंने करवाया था, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट कब बनाते थे, पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद क्या बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें कहता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद इसको बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया उसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अपने स्टेप याद रखने हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से बनेगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला डिफरेंस। सेकंड ऑब्जेक्टिव, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखने के लिए, साल भर में हमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ। इट इज़, और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये किस लिए बनाया जाता है, हम अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपना प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड कैपिटल या प्रॉफिट सेल्फ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड इज पार्टनरशिप डीड। अब दोस्तों हमें पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत कब पड़ती है, जब पार्टनर्स आएंगे तभी तो डीड बनेगी। दो लोगों में जब कोई बिजनेस शुरू करेंगे तभी तो डीड की जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन अगर सोल प्रोपरेटर तो उसको क्यों टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, क्योंकि वो दो लोगों में किसी चीज़ को डिसाइड करना है चीज़ को लेकर, तो उनमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। लेकिन सोल प्रोपरेटर में डीड की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सो पार्टनरशिप डीड, द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये मैंने बताया था कि अंडर सोल प्रोपराइटर बनाते हैं तो उसमें हमें किसी पार्टनरशिप डीड की एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम किसी पार्टनरशिप में आते हैं तो द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। अब इसमें जो हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हमने डीड के हिसाब से बनाना है कि डीड के हिसाब से हमने पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन कितनी देनी है, फीस कितनी देनी है, पार्टनर्स को बोनस कितना देना है, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, तो वो सारी डीड के अंदर लिखा होता है। और उस डीड को ध्यान में रख के हमें ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आइटम। इसमें कौन कौन से आइटम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट इज़ डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, आपको याद होगा मैंने करवाए थे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे खर्चे हम इसको डेबिट में लेते हैं। और इनकम जितनी होती है जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जितनी भी इनकम्स हैं हमारी अदर इनकम्स, वो सारी की सारी हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इट इज़ डेबिटेड विद द आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं इसको हम डेबिट किससे करते हैं, आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन, मतलब अप्रोप्रिएशन का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि वो चीज़ें जो हमें प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी वो चीज़ें जब प्रॉफिट होगा तब हम देते हैं, उसको हम अप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो किन किन चीज़ों को, इट इज़ डेबिटेड विद द आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो आइटम कौन कौन सी हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व। दोस्तों याद रखना ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये सब के सब पार्टनर्स को सैलरी, नॉट इम्प्लॉइज। जो इम्प्लॉइज की सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, और जो पार्टनर्स की सैलरी है
वो आप बना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हो। तो इट इज़ डेबिटेड विद द आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ये तीनों चीज़ें पार्टनर्स को देनी है हमने, तो उनको हम डेबिट करते हैं। एंड अगर हम कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करें, एंड क्रेडिट विद द इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, उसमें क्रेडिट किसको करते हैं, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की हैं उसमें जो इंटरेस्ट हम फर्म ले रही है। तो ये मैं आपको क्लियर करूँगा अभी जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी मैं उसी वक्त आपको क्लियर करके बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं किसी पार्टनरशिप में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, वो 50 हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर वो 100 हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो 100 नहीं हैं, वो 50 ही हैं। मैं आपको पूरी यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या है हमारी जो सेक्शन 464 में क्या कहा गया है। तो लिखा है कि सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर सो प्रिस्क्राइब कैन नॉट बी मोर देन 100। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप प्रिस्क्राइब करो, बताओ कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर होने चाहिए, लेकिन वो 100 से ज़्यादा ना हो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 से ज़्यादा ना हो, लेकिन 100 नहीं है। आगे देखो आगे क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म टू बी 50, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी प्रिस्क्राइब लिमिट रखी, 50। सिर्फ जो कंपनी एक्ट 2013 है इसने गवर्नमेंट को एम्पावर किया था कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे एक पार्टनरशिप फर्म में। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि 100 होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, उसने कहा कि मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो आपने 100 नहीं लिखना, 50 लिखना है। ये तो 100 तो जो हमारा कंपनी एक्ट है उसने गवर्नमेंट को एम्पावर किया, उसने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि आप बताओ, हमने तो अपनी सजेशन दे दी कि 100, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कितने होने चाहिए, 50। तो याद रखना है कि जो मैक्सिमम मेंबर है 50 होने चाहिए। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। जो कंपनी रूल 2014 है आप उसमें देखोगे तो वहाँ बताया गया है, दस इन इफेक्ट ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट मोर देन 50 मेंबर्स। तो इनफैक्ट एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। तो ये आपने डिटेल में पढ़ना है। आई होप मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने शायद वो नेट वेट में सर्च करके देख लेते हैं, उसमें पूरा नहीं बताया होता, उसमें बताया कि उसमें सिर्फ इतना ही बताया कि जो कंपनी एक्ट है उसमें कितना कहा गया, तो वहाँ 100 आता है, लेकिन अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 उन्होंने एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स कर दी 50 मेंबर्स की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, एक और किसी बच्चे ने कमेंट किया था, डाउट पूछा था, उसने कहा था कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये किसने बनाया है, मतलब ये हम खुद से बनाते हैं या कहीं से किसी ने बनाया है। तो दोस्तों, ये जो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है ये अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ये बताया गया है, वहाँ सेक्शन 12 से लेकर 17 है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड ओरल में है, रिटन में नहीं है, तो उसमें हमें ये रूल फॉलो करने हैं। चलिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था किसी का। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो वैसा ही है जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। हमें कैसे बनाना उसको, जैसे मैंने दोस्तों तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें कैसे बनाना है उसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे पर्टिकुलर्स जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते थे, यहां पे अमाउंट, यहां पे फिर से पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। दोस्तों शुरू कैसे करना है, जैसे मैंने कहा था कि पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट,
फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये हमने सीखा 11th में, जहाँ पे अंडर सोल प्रोपरेटर हम मान के चल रहे थे। अब उसके बाद मैंने कहा था जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो अगर हम पार्टनरशिप में आ गए तो हमें फिर उसके आगे एक स्टेप और जाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कब बनाना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो भी नेट प्रॉफिट आता है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो आपने क्रेडिट साइड में लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है सबको कि जो हमारी इनकम्स होती हैं या गेंस होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं सारे के सारे क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। रूल्स है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो वो आपने नेट प्रॉफिट जहाँ पे मैं क्रॉस लिख रहा हूँ यहाँ लिख देना है। इन शॉर्ट जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी इनकम्स आपने इस तरफ लिखनी है, और इधर क्या आएगा इनकम्स में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब दोस्तों इसके बारे में बता दूँ मैं आपको, जैसे मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो, जिसने नहीं देखा देखो वो जाके, उसमें मैंने कहा था कि अगर पार्टनर्स अपने लिए कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने कोई बिजनेस शुरू कर रखा है पार्टनरशिप फर्म में, अब मान लो ए को पैसों की ज़रूरत है या बी को भी है, दोनों ने पैसा निकाल लिया, तो उसमें क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है रिटर्न में और उसमें इंटरेस्ट के बारे में लिखा है, तो जो पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगेन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सपोज करो ए और बी पार्टनर या मैं और मेरा एक साथी हैं, हमने कोई बिजनेस शुरू किया, हमने कुछ पैसा विड्रॉ किया तो हमें इंटरेस्ट देना है, और आप सोचोगे ये तो एक्सपेंस हो गया, भाई ये इनकम कहाँ से हो गई, मैं तो क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनकम है, लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा तो ये तो एक्सपेंस है, अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया और मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस है। लेकिन फिर मैंने आपको पहले भी बताया था हमें कोई भी चीज़ देखनी है उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, उस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। मान लो मैंने और किसी और ने या ए और बी ने एक फर्म खोली एक्स कंपनी, तो एक्स कंपनी के लिए इनके लिए एक्सपेंस है क्योंकि ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको इंटरेस्ट आ रहा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंपनी की इनकम है। तो वो जो भी इंटरेस्ट होगा, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका जो भी इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कल के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो पार्टनर्स ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके लिए, उन पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअली एक्सपेंस है, लेकिन हम पार्टनर्स का नहीं बना रहे, हम उस फर्म का बना रहे हैं, तो फर्म के हिसाब से वो फर्म के लिए इनकम है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब आ गए, बस इधर ये दो आ गए, यहाँ पे फर्म के लिए एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों कल याद होगा मैंने वीडियो में कहा था कि मान लो ए और बी ने पैसा लगाया, ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने एक एक लाख रुपया सपोज करो कैपिटल से बिजनेस शुरू किया, अब इन्होंने जो पैसा लगाया है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का प्रोविजन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो दोनों को ए और बी को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला गया है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो जो भी इंटरेस्ट उनकी कैपिटल होगी, जैसे इसकी भी एक लाख, इसकी एक लाख, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लो 10% है तो 10,000 इसको चला जाएगा, 10,000 इसको, वो आपने यहाँ लिख देना है, मैं क्रॉस ही लिख रहा हूँ कि अमाउंट आपने ऐसे इस तरफ लिख देना है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कंपनी के लिए खर्चा है, ए और बी के लिए इनकम है, लेकिन कंपनी के लिए तो मैंने कहा था कंपनी के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक्सपेंस है, तो हमने डेबिट साइड में लिख देना है। इसी तरह अगर पार्टनर्स को सैलरी दे रही है फर्म, तो पार्टनर्स के लिए बेशक इनकम होगी, लेकिन हम फर्म का बना रहे हैं, फर्म के लिए तो एक एक्सपेंस के तौर पर आएगा, तो ए और बी की जितनी भी सैलरी होगी साल की वो हमने पूरी यहाँ पर ले लेनी है। इसी तरह मान लो अगर पार्टनर्स को हम कमीशन भी दे रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में कमीशन का प्रोविजन भी है, तो वो कमीशन भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, दोस्तों ट्रांसफ़र टू रिज़र्व का मतलब ये पैसा पार्टनर्स को नहीं मिला है, तो पार्टनर्स का ही पैसा लेकिन पार्टनर्स को मिल नहीं रहा। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो ए और बी पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, एक लाख रुपये का इनका सारा खर्चा निकालने पर प्रॉफिट है। अब ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ हम जो प्रॉफिट है अपना उसको हम फ्यूचर के लिए भी रख लेते हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, हम अमूमन घर में भी, अपने घरों में भी, हमें मान लो कहीं से इनकम आती है तो हम सारा तो नहीं खर्च कर देते, कहीं कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स हम अपने लिए बचा लेते हैं। तो सेम ये चीज़ जो है वो बिज़नेस के लिए भी होती है, बिज़नेस में भी ऐसा होता है कि आप बिज़नेस जो पैसा कमाता है, फर्म जो पैसा कमा रही है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने लिए फ्यूचर के लिए रख देती है, तो वो जो हिस्सा रखा जाता है उसको कहते हैं ट्रांसफर टू रिज़र्व,
यानी हमने इसको इस पैसे को रिजर्व रखा है, यानी ए और बी ने आपस में नहीं बांटा है, ये ए और बी का ही पैसा है, जब चाहे बांट सकते हैं, लेकिन जब तक इसको नहीं बांटा तब तक वो ए और बी के लिए एज ए रिजर्व है कि फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, नहीं तो आपस में फ्यूचर में बांट भी सकते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जितना पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया वो भी यहीं पर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी आपने एक्सपेंसिस हैं वो सारे डाल देने हैं। अब आपने फिर टोटल करना है, ये जो भी टोटल होगा इस साइड का, इसमें से ये सारे खर्चे यहाँ से यहाँ तक आप जब निकाल लोगे तो वो बचेगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये टोटल 1,00,000 है और यहाँ से यहाँ तक सारे खर्चे हैं 80,000 के, 80,000 के, तो 1,00,000 में से आपने 80,000 निकाल दिया, अब आपके पास कितना बचा 20,000। अब वो 20,000 आपका क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, किसके लिए, ए और बी के लिए। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को 20,000 को आपने ए और बी में बांट देना है। अब किस रेशियो में बांटना है ये क्वेश्चन में लिखा होगा, जिस रेशियो में लिखा है वैसे बांट देना है, और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किस रेशियो में, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड ओरल में है, तब हम इसको बराबर बांटेंगे। लिखा है तो जिस रेशियो में लिखा है वैसे बांटेंगे, और नहीं लिखा तो फिर ये बराबर बांट देंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस तरह से आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनाना है। तो दोस्तों आई होप आप आज आपको क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। कल हम बात करेंगे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो अभी बाद में शुरू करूंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पहले हम ये चीज़ सीखेंगे निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो कल नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों तो कल से हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दोस्तों कोई अगर आपको इसमें क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अभी आप वही क्वेरीज लिखो जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो आज मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, पिछली वाली मैं नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, जो भी रेलेवेंट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं ज़रूर लूँगा, जैसे मैंने आज भी लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ही उसको लिखो, व्हाट्सएप पे आप मत पूछो क्योंकि बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो खुद को अच्छा नहीं लगता जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, पूरा दिन वीडियो बनाने में लग जाता है, तो मेरे को खुद को वो अच्छा नहीं लगता कि आपके मैं क्वेश्चंस को रिप्लाई नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज मुझे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता वो मुझे खुद में फील होता है कि यार मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, कहीं आप लोग सोच रहे होगे यार कि सर तो अब भाव खाना शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप आई होप कि आगे ध्यान रखोगे। बाकी आप कुछ और पूछना चाहते हो इन क्वेश्चंस के अलावा वो आप पूछ सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछो। साथ साथ दोस्तों फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मेरा मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।